मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। बैठक में सीईओ गीडा, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, संयुक्त आयुक्त उद्योग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तथा अन्य उद्यमी बंधु मौजूद रहे। बैठक में गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब के रूप में विकसित करने के लिए दो स्थानों पर फ्लैटेड फैक्ट्री बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें एक स्थान गीडा में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। दो सप्ताह में अन्य स्थान पर प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए उद्योग विभाग एवं हथकरघा विभाग को निर्देशित किया गया है। साथ ही उद्यमियों को ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दो सप्ताह में विस्तृत कार्ययोजना देने के लिए निर्देशित किया गया है। गीडा में आगामी दो माह में डिमांड सर्वे में चिन्हित उद्यमियों के लिए भूमि उपलब्धता भीटी रावत में सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त किया। लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया कि ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का इसी वित्तीय वर्ष में निस्तारण करा दें, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मेहनती उद्यमियों को ऋण का लाभ मिल सके। मंडलायुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए गए। लास्ट मीटिंग में सर जो इश्यूज आए थे उसमें निवेदन सर अच्छा आप सब लोगों के सहयोग से काफ़ी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो होगी सर वो आज तक तो हो गया था। तो जो होना है सर उसमें एक तो गीडा में बड़ा रैंक पाकर डेडिकेटेड करके और उसमें कुछ उद्यमियों को अलॉट किया गीडा में और एक इंडस्ट्री एरिया, तो इंडस्ट्री एरिया में जो अभी बता रहे हैं आप बता रहे हैं ये वहाँ पर होगा जो इंडस्ट्री एरिया वो आपने UPSIC को देखेंगे किसको देखेंगे वो पहले लैंड डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा सर एमएसएमई डिपार्टमेंट को परमिशन के लिए, उसके बाद फिर जो भी बनाएगा जैसे फ्लैटेड फैक्ट्री UPSIC बनाएंगे तो उनको जाएगा, प्लस ये ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस पहले ये अनुमति लेनी पड़ेगी कि इनकी जो भूमि है उसको सर उसको फ्लैटेड फैक्ट्री वो भूमि आपकी इंडस्ट्री विभाग की है मीन्स कितने साल के लिए हथकरघा से है से आप हैं आपको कोई आपत्ति है माइक ऑन करके बोलिए ये हैंडलूम का ये बहुत पहले बना उसके अंदर अलग होते हैं और वहाँ ये दोनों इस समय जो है अपने शादी कर यहाँ पर लोकल स्तर पर कोई नहीं है उसका अधिकार नहीं है लेकिन उसके डेली हैंडलूम के रूप में तो एक्चुअल पर जो फिगर मैंने जो है सर्वे के समय जो लिया था तो आपको बात की गई है सर मेरा एक कंट्रोल काम मतलब इसमें आए थे पूरा होगा वोटिंग डेट